हाय, आज हम है मंथन स्कूल पे और ये है एस क्या है वाई एस वाई स्कूल के स्टूडेंट जिनका सेंटर था मंथन स्कूल पे। ओके, तो इनसे पूछते हैं इनका साइंस के एग्जाम आज कैसा हुआ और कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। अभी हमने इससे पहले वीडियो में फीडबैक लिया था लोटस वैली के स्टूडेंट से और अभी हम ले रहे हैं वाई एस वाई के स्टूडेंट से। एक एक करके अपना नाम बता दीजिए फटाफट से। गौरव पांडे। गौरव पांडे। आयुष। ओके। ऋषभ। अंशु। साहिल। साहिल। दीपक। ओके दीपक, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं इन लोग का आगे फ्यूचर में क्या है, क्या करना है आप लोगों को। एक को किसी को गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी थी यूपीएससी की, राइट। ओके, ये है जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। आपको साइंस साइड लेनी है 11th में। नाइस, आप लोगों को क्या लेना भाई? साइंस साइड ही लेनी है। नाइस, बहुत अच्छा है। बिजनेस मैन, ये बनेंगे बिजनेस मैन। अंशु, अंशु ना। यस, देखो नाम याद हो गया। अच्छा, आप फटाफट से क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए और बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी आया था। बहुत इजी था। आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं प्री बोर्ड्स वगैरह, उसके कंपैरेटिवली कैसा था? इजी था या डिफिकल्ट? कंपैरेटिवली इजी था। ओके, कंपैरेटिवली इजी था, बहुत इजी था। वेरी नाइस। तो कितना लग रहा है, कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप लोग? 95 प्लस। ओके नाइस गुड, मतलब स्कूल में अच्छा खासा मतलब कर रहे हैं आप लोग भी। और आप लोग के 80 प्लस, मतलब सब पास हो जाएंगे। 50 प्लस ही आने वाले हैं सबके, जो इन लोग के फीडबैक देख के लग रहा है। तो अच्छा है, इसका मतलब एसएससी का पेपर भी इजी ही आएगा, अच्छा ही आएगा। और मैथ्स का कुछ नहीं कह सकते, बट मैथ्स इज माय फेवरेट क्योंकि मेरा पूरा का पूरा चैनल मैथ्स पे बेस्ड है। आई लव मैथ्स। और आप लोग को मैथ्स कैसा लगता है? बेकार। तो भैया मेरे से पढ़ लेना, अच्छा लगने लगेगा। बाय। ओके, थैंक यू।